हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजिटेक साइलेंस में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कि अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट आता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे कोई मोबाइल से कैप्चर करके आपको व्हाट्सअप करता है और आपको उस व्हाट्सअप से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके देना होता है, तो अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं फ्रेंड, तो आज ये वीडियो अगर आप देख लेंगे एक बार तो आप इसको सीख जाएंगे और उसके बाद आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आए आप उसको जो है इजीली प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को प्रोवाइड करा देंगे। तो हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इसमें दिखाने वाले हैं। तो उसके लिए देखिए, हमने अपना व्हाट्सअप यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब देखिए, हमने अपना व्हाट्सअप वेब जो है उसका एप्लीकेशन अपने पीसी में इंस्टॉल किया हूँ, तो उसी के जरिए मैं अपना व्हाट्सअप इसमें कनेक्ट कर लिया हूँ। तो देखिए, हमारे सामने एक प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल पर हमें एक आधार कार्ड भेजा गया है। देखिए, यहाँ पे बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, हमें सबसे पहले दोनों को डाउनलोड करना होगा। तो हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं, हमें इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव एज का ऑप्शन, या फिर इसी फोटो पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सेव एज, इस सेव एज पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने बाद देखिए, हमें इसको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे और इसके बाद हम इसका बैक साइड जो है फ्रंट साइड, इसको भी हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे और इसका देखिए यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करके हम यहाँ सेव कर देंगे। अभी हमारा डॉक्यूमेंट जो सेव हो चुका है फ्रेंड, इसको फोटोशॉप में ओपन करना होगा। तो आप देखिए, हम यहाँ पे चलते हैं फोटोशॉप में। अब डायरेक्ट अगर हम इस फोटो को ओपन करेंगे तो हमारा फोटोशॉप में ओपन नहीं होगा, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। हाँ, तो फ्रेंड अभी देखिए, हमने फोटोशॉप को ओपन कर लिया। अब हमें उस डॉक्यूमेंट को जो हमने व्हाट्सएप से डाउनलोड की थी उसको इसमें ओपन करने के लिए हम यहाँ पे जो ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही है इस पर हम कहीं पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया था, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे व्हाट्सएप और व्हाट्सएप, मैं मान लीजिए एक फोटो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ। हम जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, देखिए हमारा डॉक्यूमेंट इस तरह से आ गया, ओपन नहीं हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, उसके लिए देखिए आपको फिर से डेस्कटॉप पे जाना है। ये डेस्कटॉप पे आ गया मैं और यहाँ देखिए व्हाट्सएप ए वाला और व्हाट्सएप ए वाला दोनों डॉक्यूमेंट हमारा। तो पहले हम इस व्हाट्सएप को पेंट में ओपन करेंगे। अगर आपका डबल क्लिक करने से डायरेक्ट पेंट में ओपन हो जाता तब तो ठीक है, तो हमारा जो पेंट में ओपन नहीं होता है। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन विथ पे क्लिक करके पेंट में ओपन कर लेना है। मैं पेंट में इसको ओपन कर लूँगा। अब देखिए, पेंट में ओपन हो गया। अब आपको कंट्रोल यस कर देना है, बस इतना हो गया। इसी तरह से बैक साइड जो है इसको भी हम जो है पेंट में ओपन करेंगे और कंट्रोल यस कर देंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसको भी कंट्रोल यस पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ फोटोशॉप में, डबल क्लिक करता हूँ। अब फिर से हम जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसका जो है बैक साइड भी सिलेक्ट करके दोनों को हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो हम ओपन पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ओपन पे क्लिक किया तो हमारे सामने दोनों डॉक्यूमेंट ओपन हो चुके हैं। इधर देखिए फ्रंट साइड बैक साइड है और इधर फ्रंट साइड। अब इन दोनों को हमें क्रॉप करना है, इसको कलर करना है, इसके बाद हमें अरेंज करना है प्रिंट आउट निकालने के लिए। सो फ्रेंड देखिए, हमने यहाँ पे दोनों फ्रंट साइड और बैक साइड को ओपन कर लिया है। अब हमें सबसे पहले क्रॉप करना होगा। तो क्रॉप करने के लिए देखिए, यहाँ पे हम क्रॉप टूल लेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से सी बटन प्रेस करेंगे तो आपका क्रॉप टूल इनेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए, ये जो टूल बार है ये मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ये यहाँ देखिए क्रॉप टूल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए चारों तरफ हमारे जो है इसके ऐसे करेंगे तो इस तरह से सिलेक्शन बनने लगेगा। तो हम पहले यहाँ पे इसको पूरा मैक्सिमाइज कर लेंगे बड़ा, इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्रॉप करेंगे। अब देखिए, हमारा आधार कार्ड इस तरह से है। अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको किस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से हो चुका है ये पूरा, ठीक ना। अब हम यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे या फिर हम यहाँ पे जो है इस वाले साइन के आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा कार्ड हो चुका है। अब हमें इस कार्ड को परफेक्ट करना होगा। तो परफेक्ट करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि हम इसको एक बार फिर से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अभी एंटर नहीं करेंगे। और देखिए यहाँ पे जो प्रस्पेक्टिव वाला ऑप्शन है इसको हम यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक ना। और इसको इस कॉर्नर को आप चाहे जहाँ मिलाएंगे अच्छे से, देखिए इस तरह से, तो आपका यहाँ पे सब कुछ सही होने लगेगा। देखिए इस तरह से चारों एंगल से आप इसको सही से मिला लेना, इसके बाद एंटर करेंगे। देखिए आपका आधार कार्ड पूरा क्लियर हो गया। आपका जब जिधर भी टेढ़ा होगा आप उसके चारों कोनों से मिला लेंगे, ठीक ना। अब ये हो गया। अब इसको थोड़ा अगर कलर आपको करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे इमेज वाले ऑप्शन पे, एडजस्टमेंट पे जाएंगे, लेवल पे जाएंगे या फिर ऑटो लेवल पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो लेवल हो जाएगा। तो आपको जैसा सही लगे वैसा आप कर लेना। ऑटो लेवल पे अगर आपको सही नहीं लगे तो आप यहाँ पे लेवल पे जाना और लेवल से आप इसका लेवल यहाँ पे अच्छे से मिला लेना। देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से करना जैसा आपको सही लगे, ठीक ना, क्योंकि सबकी क्वालिटी अलग अलग रहती है, इसमें कोई एक्शन फाइल काम करने वाली नहीं है। ये फ्रंट साइड हो गया। अभी हम क्या करेंगे, बैक साइड आएंगे। बैक साइड में आके हम इसको भी उसी तरह से क्रॉप करेंगे। इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको इधर कर दूंगा और यहाँ से इसको मैं इतना ये कर लिया, ठीक ना।
और हम इंटर बटन प्रेस करेंगे, देखिए ये भी इधर क्रॉप हो चुका है, और इसको भी हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ यल दबाएंगे तो ऑटो लेवल पे हो जाएगा। तो आपको जैसा सही लगे उसको कलर अप कर लेंगे। इसके बाद अब देखिए दोनों फोटो हमारा आधार कार्ड हो चुका है, अब हमें कंट्रोल के साथ यन बटन प्रेस करना है और ए फोर पेज हम सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा ए फोर हो गया, पेपर आ गया। अब हमें जो है इन दोनों को इस पे लाना होगा, तो पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हमें मूव टू लोगो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब इसको हम यहाँ से माउस को दबाए रहेंगे, उठा करके लाएंगे, इस वाले नए पेज पर छोड़ देंगे। इस तरह से आ चुका है। इसी तरह से हम सेकेंड वाले को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी माउस को दबाए रखेंगे, ला के इस पेज पर छोड़ देंगे। देखिए दोनों आ चुका है। अब हम इस पेज को मैक्सिमाइज कर लेंगे और यहाँ पे हम ये वाला जो है इस पे हम माउस को लाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेयर वन है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल के साथ टी बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरह से कर लेंगे। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह से आपका होगा। आप जब शिफ्ट बटन दबाए रखेंगे इसके बाद आप करेंगे तो आपका परफेक्ट क्लियर होगा। तो आपको देखिए मैं यहाँ पर इसको इतना कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको ओके कर दूंगा, ये हो गया। अगर इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, स्ट्रोक पे जाएंगे, 2 पिक्सल का ब्लैक कलर का बॉर्डर सेंटर में हम लगाएंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड वाले पे हम राइट क्लिक करेंगे और लेयर टू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी बटन दबाएंगे और यहाँ पे इसको भी हम जो है उसी तरह से करेंगे। तो पहले हम इतना कर लेंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर लाएंगे क्योंकि इसके बराबर हमें करना होगा। फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसको इस तरह से कर लेंगे। देखिए इसके बराबर हो गया। अब ओके पे हम क्लिक कर लेंगे। अब इसको हम नीचे कर लेंगे खिसका करके यहाँ पे। इसको भी अगर आपको बॉर्डर देना होगा तो आप स्ट्रोक पे जाएंगे, एडिट पे जा करके और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये दोनों हो चुका है, फ्रंट साइड और बैक साइड। इसमें आप इतना प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपके ए फोर में सही आएगा, पूरा क्लियर आएगा। आप इसको और छोटा निकालना चाहते तो आप छोटा निकाल लेंगे। छोटा के लिए आप इसको लेयर वन को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से आप इसको माउस को दबाए रहेंगे, इस कॉर्नर को पकड़ के छोटा करेंगे तो ये छोटा होने लगेगा। देखिए यहाँ पे अब जैसे मान लिया हमने आप ऊपर और नीचे आपको दिखाया, इसी तरह से अगर आपको साइड बाय साइड चाहिए तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ पे और ओके कर देता हूँ। और इसी तरह से मैं इसको भी राइट क्लिक करूँगा और यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल टी करके इसको भी मैं इसके बराबर कर दूँगा और इसको आप ड्रैग करके यहाँ पर कर देंगे या फिर थोड़ा दूर कर देंगे तो फ्रंट साइड और बैक साइड आपका इस तरह से भी आ जाएगा। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा करेंगे। मान लीजिए आपका आधार कार्ड यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है, अब इसको आपको प्रिंट आउट निकालना, तो आप यहाँ पे कंट्रोल पी बटन दबाएंगे, आपका इस तरह से आ जाएगा। आप स्केल टू फिट मीडिया इसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ साथ ही प्रिंटर सेलेक्टेड है, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे पोर्ट्रेट है, प्लेन पेपर, स्टैंडर्ड कलर और ग्रे स्टाइल, तो हम यहाँ पर ग्रे स्केल सेलेक्ट करेंगे। कॉपी हमें एक ही चाहिए, इसके बाद हम प्रिंटर अपना यहाँ पर ओके करेंगे तो हमारा पेज जो है प्रिंट से निकल जाएगा, इसलिए हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। और इसी तरह से फ्रेंड आपको आधार कार्ड हो गया फ्रंट साइड बैक साइड, या फिर सिर्फ पैन कार्ड होता है तो पैन कार्ड को लोग सिर्फ फ्रंट साइड को ही करते हैं, तो फ्रंट साइड को आप जो है यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर लेना। और जो सेकेंड वाला मान लीजिए इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे, अगर आप में एक होगा तो आप एक ही को करेंगे, एक ही को प्रिंट आउट निकालेंगे, वोटर कार्ड होगा फ्रंट बैक तो आप उस तरह से उसको कर लेना। तो फ्रेंड यही तरीका है, आपको फोटोशॉप में पहले डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा, अगर ओपन नहीं हो तो पेंट में ओपन करके सेव करेंगे, फिर ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा और इसको क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद इसको सही से चारों तरफ से प्रोस्पेक्टिव वाले ऑप्शन पे जाके क्रॉप कर लेंगे। इसके बाद इसको कलर देंगे, थोड़ा सा स्ट्रोक देना होगा तो स्ट्रोक दे देंगे, ठीक ना। और इसी तरह से अगर आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट ए फोर का पेपर, इसमें मार्कशीट वगैरह है तो आप मार्कशीट वगैरह को भी कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं इसी को आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए मार्कशीट हमारी हमें पूरे पेज में चाहिए तो हम इसको मान लीजिए लेयर वन राइट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। मार्कशीट आपकी अगर छोटी दिखे तो जैसे इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा के प्रेस किया इस तरह से, उसी तरह से मान लीजिए अगर मार्कशीट होगी तो मार्कशीट को आप यहाँ पे इस तरह से इतना एडजस्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए खैर हमारा आधार कार्ड है, आपका मार्कशीट होगा तो आप मार्कशीट को भी इस तरह से इधर कर लेना, तो इसके बाद प्रिंट आउट निकालेंगे, आप इजीली प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे देंगे। सो फ्रेंड आशा करते वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। बाकी किसी भी तरह का कार्ड है, अगर आपके पास PDF है आप उसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो फ्रेंड उन पर मैंने एक्शन फाइल बनाया था, आप उसको सिंगल क्लिक में निकाल सकते हैं। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड होगा तो आप आयुष्मान कार्ड को सिंगल क्लिक में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको एक्शन फाइल सारी की सारी दिखा देना चाहता हूं। देखिए यहां पे एक्शन के टैब में हमने यहां पे कितनी एक्शन फाइल बनाई हुई है, देखिए इस तरह से वैक्सीन सर्टिफिकेट का है, आधार कार्ड का है, पासपोर्ट फोटो का है, अपार कार्ड का यानी ABC कार्ड, ईश्रम कार्ड 7% 6 फोटो, राशन कार्ड, न्यू आयुष्मान कार्ड, न्यू वाभा कार्ड, ईश्रम कार्ड, सबकी एक्शन फाइल है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना और इजीली आप अपना सारा काम जो है एक्शन फाइल से प्रिंट आउट निकालेंगे। बट जो व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट आता है तो व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमें मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि कौन सा कस्टमर किस एंगल से कैप्चर करके फोटो को भेज दे तो उस पर कोई एक्शन फाइल वर्क नहीं करने वाली है। तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको देख करके इजीली समझ में आ गया होगा और आप फोटोशॉप में किसी भी डॉक्यूमेंट को आप अरेंज करके उसको प्रिंट आउट दे सकते हैं। ठीक फ्रेंड, तो फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।